यूक्रेन रूस के वॉर जोन में कई ऐसे हथियारों की नुमाइश हो चुकी है जो महाविनाश का कारण भी बन सकते हैं। हालांकि कई ऐसे वेपन का इस्तेमाल अभी बाकी है जो सिर्फ विनाश के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इससे अलग तैयारी का एक दौर यह भी है कि नए विध्वंसक हथियारों का निर्माण और भंडारण भी शुरू हो चुका है। इनमें एक हथियार है रूस की नई गन और दूसरा है चीन का एक फाइटर जेट। यकीन मानिए, इसका कॉम्बिनेशन जंग की दिशा भी बदल सकता है। इस रिपोर्ट में देखिए कौन से हैं ये दोनों हथियार। यूक्रेन के वॉर जोन में अमेरिका के सीधे इंटरेस्ट ने दुनिया का संतुलन करीब करीब बिगाड़ दिया है। अब घातक हथियारों के निर्माण में न सिर्फ तेजी आई है, बल्कि विनाशक हथियारों के निर्माण में भी ज्यादातर देश रुचि दिखाने लगे हैं। इनमें सबसे आगे है रूस और चीन। यूक्रेन के बारूदी मैदान से अमेरिका के खिलाफ बने गठबंधन के वो दो शीर्ष देश जिनका आपस में मिलना न सिर्फ अमेरिका बल्कि नाटो पर भी भारी पड़ रहा है। ये दोनों देशों के नाम हालांकि हैरान नहीं करते हैं, लेकिन जो तथ्य हैरान करते हैं वो है अमेरिका और नाटो के खिलाफ जंग की नई तैयारी, जिसमें इस्तेमाल होने वाले घातक हथियारों का भंडारण हो रहा है और इसमें न सिर्फ नाटो से ज्यादा शक्तिशाली महाविनाशकारी हथियार शामिल है बल्कि अत्याधुनिक तकनीक से लैस हथियार भी शामिल है। इनमें एक है रूस की एडवांस लेजर गन और दूसरा है चीन का J-35 फाइटर जेट। यानी रूस एक ऐसे हथियार की कल्पना को साकार करने जा रहा है जो दुश्मनों के घातक ड्रोन से होने वाले नुकसान से न सिर्फ बचाएगा बल्कि दुश्मनों के ड्रोन्स को तबाह करके उन्हें नुकसान भी पहुंचाएगा। वहीं चीन ने एक ऐसे फाइटर जेट की परिकल्पना को साकार रूप दे दिया है जो अमेरिका के बेहद उन्नत F-35 के मुकाबले और घातक बन जाता है। ये वीडियो उसी J-35 फाइटर जेट का है जिसकी चीन में टेस्ट उड़ान जारी है। अब सवाल जंग में इन हथियारों के इस्तेमाल का है तो इनकी खासियत जानना भी जरूरी है। शुरुआत J-35 से करते हैं। J-35 को चीन पांचवी पीढ़ी का उन्नत स्टेल्थ जेट बताता है। J-35 की तुलना अमेरिका के F-35 जेट से की गई है। प्रोटोटाइप में J-35 की फ्रंट ओपनिंग F-35 जैसी ही है। इस प्लेन के कैनोपी कॉन्फ़िगरेशन और F-35B वेरिएंट में समानता है, यानी चीन के J-35 में भी शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग की खूबी हो सकती है। हालांकि J-35 के बारे में अभी तक पूरा खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिकन रिपोर्ट बताती है कि अपनी बनावट के कारण ये प्लेन F-35B की तरह वर्टिकल लैंडिंग करने में सक्षम नहीं है, लेकिन प्रोटोटाइप नेवल वर्जन बनाए जाने के कारण दावा किया जा रहा है कि इसकी फ्यूल भंडारण क्षमता F-35B जितनी ही हो सकती है। इसके अलावा दोनों प्लेन में कई अंतर बताए गए हैं, जिनमें एक है F-35 सिंगल इंजन प्लेन, तो वहीं J-35 ट्विन इंजन की ताकत से तेज रफ्तार हासिल कर सकता है। फिलहाल इसमें लगने वाले हथियारों का भी खुलासा नहीं हुआ है। वहीं रूस के नए हथियार की बात करें तो रूस ने फाइटिंग लेजर वेपन बना लिया है। यह हथियार इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम से निशाना साधता है। सीमा क्षेत्र में ड्रोन आने पर लेजर गन एक्टिव हो जाती है। इसकी लेजर बीम प्लेन और क्वाड्रोकॉप्टर जैसे ड्रोन को भी गिराने में सक्षम है। और रूस के दुश्मनों के लिए बुरी खबर यह है कि इस लेजर गन का रूस ने टेस्टिंग रेंज में टेस्ट भी कर लिया है, जिसके नतीजे उम्मीद के मुताबिक मिले हैं। दावा किया जा रहा है कि टेस्ट के दौरान लेजर बीम ने एक ड्रोन नष्ट कर दिया। टारगेट की स्पीड से ज्यादा तेज बीम ने आसमान में ही ड्रोन को जलाकर राख कर दिया। इसका सीधा मतलब है कि अब विध्वंसक हथियारों की श्रेणी में दो नाम और ऐसे जुड़ गए हैं जो अमेरिका के हथियारों के लिए संकट बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।